हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं रोहित शर्मा। एंड गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज टॉप 5 बेस्ट फ्री प्लेगरिज्म चेकर। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप उन 5 वर्ल्ड के 5 बेहतरीन फ्री प्लेगरिज्म टूल के बारे में जानेंगे, जिनकी मदद से आप किसी भी कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि वो कंटेंट किसी और व्यक्ति का तो नहीं है। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं उन लोगों के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिन लोगों को मालूम नहीं है कि प्लेगरिज्म क्या होता है। सो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज प्लेगरिज्म। दोस्तों, प्लेगरिज्म यानी कि किसी और व्यक्ति यानी किसी और पर्सन के काम को अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो उसे प्लेगरिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपनी एक वेबसाइट में या फिर अपने ब्लॉग में कंटेंट लिखा, एक छोटी सी कोई भी पोस्ट डाली, उस पोस्ट को मैं कॉपी करके अगर अपनी वेबसाइट में पेस्ट करके पोस्ट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो उसे प्लेगरिज्म कहा जाता है। फिर वो भले ही मैं आपकी परमिशन से उस कंटेंट को कॉपी करूं या विदाउट आपकी परमिशन से उस कंटेंट को कॉपी करूं, अगर आपका जो कंटेंट आपकी साइट में उसे कॉपी करके अगर मैं अपनी ब्लॉग या अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर रहा हूं तो उस कंटेंट को प्लेगरिज्म कहा जाता है। यानी कि किसी और पर्सन के काम को कॉपी करके पेस्ट करना उसे प्लेगरिज्म कहा जाता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज प्लेगरिज्म इज अ सीरियस ऑफेंस, यानी कि प्लेगरिज्म एक सीरियस क्राइम क्यों है, तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी लाइन में बताता हूँ। देखिए, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे अगर आप किसी का भी सामान चोरी करते हैं तो वो एक क्राइम है। उसी प्रकार से ऑनलाइन की दुनिया में, ठीक है, ऑनलाइन की दुनिया में ये भी एक साइबर क्राइम है। अगर आप किसी और के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं तो वो एक सीरियस साइबर क्राइम होता है। सो इसीलिए किसी और के कंटेंट को कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। नाउ एक लास्ट बात बताना चाहूंगा, वैसे तो काफी सारी बातें बताने के लिए बट समय आप लोगों का ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूंगा मैं। सो, एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिमूव प्लेगरिज्म। सबसे मेन बात, अगर आपके पास एक वेबसाइट है या एक ब्लॉग है तो उस वेबसाइट के अंदर अगर आप किसी और पर्सन से कंटेंट लिखवा रहे हैं या फिर किसी और पर्सन से कंटेंट परचेस कर रहे हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट अपलोड कर सकें, तो आपका ये काम है कि आप अपनी वेबसाइट को हमेशा चेक करें कि आपकी वेबसाइट में कहीं कोई प्लेगरिज्म कंटेंट तो नहीं है। तो उस प्लेगरिज्म कंटेंट को क्यों रिमूव करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप किसी और पर्सन के कंटेंट को अपनी वेबसाइट में डालेंगे, यानी कि अगर आप किसी और से कंटेंट परचेस कर रहे हैं पैसे में, 1000 रुपये का अगर आप किसी से कंटेंट परचेस कर रहे हैं और उस कंटेंट को अगर आप बिना चेक किए अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं, तो अगर उसके अंदर कंटेंट कोई प्लेगरिज्म कंटेंट होगा तो उससे आपकी जो साइट है, उससे आपकी जो ब्लॉग है, उसका जो रेपुटेशन है फ्रेंड्स, वो डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो आपके यूज़र्स थोड़े वो जो आपके यूज़र्स आएंगे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर डायरेक्ट लिंक के थ्रू, जो भी आपके यूज़र्स आपकी वेबसाइट में आएंगे, अगर उन्होंने वो कंटेंट पहले भी कहीं पढ़ा होगा तो उससे उन लोगों को ये समझेंगे कि ये वेबसाइट में हमेशा प्लेगरिज्म में कंटेंट पाया जाता है, यानी कि आपकी वेबसाइट का कोई भी खुद का कंटेंट नहीं है। फिर आप फ्यूचर में कभी भी कोई भी कंटेंट अपलोड करेंगे फ्रेंड्स, तो उससे लोगों को यही लगेगा कि ये जो वेबसाइट है हमेशा प्लेगरिज्म में कंटेंट पोस्ट करती है, यानी कि दूसरे के कंटेंट्स को कॉपी उठा के पेस्ट करती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट को आप हमेशा चेक करें, अगर आप किसी से कंटेंट परचेस कर रहे हैं तो वो कंटेंट कहीं प्लेगरिज्म में कंटेंट तो नहीं है। ठीक है, सो, आज के इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं कि वो 5 बेहतरीन टूल्स जो फ्री हैं और ऑनलाइन है, आप उन्हें ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंटेंट को चेक करना है तो उसके लिए आपको कोई भी साइन अप करने की या कुछ पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस जो भी कंटेंट को चेक करना है उससे डायरेक्ट वहाँ पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि वो कंटेंट कहीं प्लेगरिज्म में तो नहीं है, किसी और का कंटेंट तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन ए ब्राउजर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का जो सबसे पहला टूल है उसका नाम है स्मॉल एसईओ टूल्स। मैं आपको दिखा देता हूं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल में हम लोगों ने स्मॉल एसईओ टूल्स लिखा है तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐड आ रही है। ठीक है, यहां ऐड लिखा हुआ है और उसके नीचे अगर आप आएंगे जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है उसमें भी ये रैंक कर रहे हैं, नंबर 1 पर है। ये काफी बेहतरीन वेबसाइट है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ विजिट करके इसके अंदर। सो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे विजिट करेंगे इस वेबसाइट में smallseotools.com में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब आपके सामने प्लेगरिज्म चेकर। वैसे इसमें काफी सारे और भी फंक्शंस है इस वेबसाइट में,
बट जो आज का हमारा वीडियो है हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। सो प्लेगरिज्म चेकर में क्लिक करेंगे आप, सो फ्रेंड जैसे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट योर टेक्स्ट हियर टू डिटेक्ट प्लेगराइज्ड कंटेंट, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट को चेक करना है। फॉर एग्जांपल चलिए हम एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम वेबसाइट में आ चुके हैं, यहां से हम थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं और आपको यहां पे पेस्ट करना है उस कंटेंट को। नाउ यहां पे पेस्ट करने के बाद आपको एक बार बताना चाहूंगा, यहां पे इस वेबसाइट की जो लिमिट है वो 1000 वर्ड्स ही है, ठीक है। अब मेक श्योर आपके पास यहां 1000 वर्ड से कमी आप टेक्स्ट यहां पेस्ट करें, अदरवाइज ये सर्च नहीं करेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। सो यहां पे आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे आके यहाँ से डायरेक्ट यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पेस्ट करके भी इस कंटेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म में चेक करना है। अगर आपको इस कंटेंट का ग्रामर चेक करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो चलिए हम प्लेगरिज्म में चेक कर देते हैं इस कंटेंट का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 17% यहाँ पे प्लेगरिज्म कंटेंट है और बाकी का जो 83% है वो यूनिक है, ठीक है। जो भी कंटेंट प्लेगरिज्म रहेगा वो यहाँ पे रेड कलर में आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंपेयर में तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है इस वेबसाइट का है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अपने किसी भी कंटेंट को यहाँ पे आके इस वेबसाइट में आके smallseotools.com/plagiarism-checker में आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने किसी भी कंटेंट को। बट एक बात का ध्यान रखिए, वो 1000 वर्ड्स के अंदर हो, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास 5000 वर्ड्स का भी कंटेंट है तो आप उसे 900 करके भी चेक कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे इस टूल में चेक कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को कि वो कंटेंट प्लेगरिज्म में है कि नहीं। ये हो गया फर्स्ट टूल। अब चलिए मैं आपको दूसरे टूल पर लेकर चलता हूँ। हम इस वेबसाइट को ओपन ही रहने देते हैं क्योंकि अभी हम और भी चेक करेंगे। सो जो दूसरा हमारा आज का टूल है उसका नाम है siteliner.com। देखिए siteliner में आने के बाद यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा। इस वेबसाइट की एक बहुत ही स्पेशलिटी है कि यहां पे आप देख सकते हैं फाइंड डुप्लीकेट कंटेंट ब्रोकन लिंक्स एंड मोर, यानी कि यहां पे आपको जिस भी वेबसाइट का यहाँ पे आपको कंटेंट करना है यहाँ पे पूरी वेबसाइट का बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा कि इस पूरी जिस भी वेबसाइट का अगर आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम इसी वेबसाइट को ले लेते हैं, जिस वेबसाइट का भी अगर आपको पूरा देखना है कंटेंट प्लेगरिज्म कंटेंट तो आपको यहाँ पे इसका यूआरएल पेस्ट करना है। इस वेबसाइट की ये स्पेशलिटी है कि आपको पूरी वेबसाइट का कंटेंट बताएगा कि पूरी वेबसाइट में कितना प्लेगरिज्म कंटेंट है, कितना जो यूनिक कंटेंट है वो पूरा बताएगा। चलिए यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करने के बाद गो में क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम लेता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका रिपोर्ट रेडी हो जाएगा। ये तो मैंने पहले भी चेक किया हुआ था, आप यहाँ पे डेट चेक कर सकते हैं। देखिए 4th December को मैंने चेक किया था। सो जिस वेबसाइट का कभी अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, अगर उस वेबसाइट को किसी और पर्सन ने भी चेक किया है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा योर रिपोर्ट इज रेडी और यहाँ पे उसका डेट दिखाएगा आपको, वो टाइम भी दिखाएगा कि किस टाइम में ये इसने चेक किया था किस पर्सन ने। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ देखेंगे आप नीचे में योर डुप्लीकेट कंटेंट 5%, कॉमन कंटेंट 20% और जो यूनिक कंटेंट है वो 75% है, ठीक है। अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का जो एवरेज पेज साइज है और जो उसका लोड टाइम है, जो उसका नंबर ऑफ पर पेज है, और भी काफ़ी सारे इस वेबसाइट के इसके अंदर आपको डिटेल्स मिल सकती है अगर आप चाहेंगे तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये siteliner वेबसाइट बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है। मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद इस वेबसाइट को नंबर 2 में आज के इस वीडियो में रखा है। तो आप इस वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का प्लेगरिज्म चेक करने के लिए।
तो चलिए ये सेकंड वेबसाइट हो गई हमारी, अब चलते हैं थर्ड वेबसाइट पे। सो फ्रेंड्स, जो थर्ड नंबर पर वेबसाइट है उसका नाम है प्लेगियम। चलिए मैं आपको दिखा दूं सीधा। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, लिखेंगे गूगल पे प्लेजियम, तो यहाँ पर नंबर वन पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप पढ़ सकते हैं फ्ली प्लेगरिज्म चेकर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस करना है, इस बॉक्स में आपको कंटेंट को पेस्ट करना है। हम चलिए फिर से पेस्ट कर लेते हैं। इस बॉक्स में कंटेंट को पेस्ट करना है। यहाँ पर भी आपको सेम बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे आप भी आपको 1000 करेक्टर ही आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 473 करेक्टर लेफ्ट, यानी कि और मैं 473 करेक्टर यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो कंटेंट डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्विक सर्च में। देखिए जैसे ही आप यहाँ देखेंगे चेकिंग हो गया पूरा। सो द फॉलोइंग टू डॉक्यूमेंट्स लाइक मेक अस मेक यूज ऑफ द टेक्स्ट दैट यू एंटर, यानी कि दो जगह में ये यहाँ पे मैच हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं सिमिलरिटी 97.4%। सो ये दो रिजल्ट मिले हैं जहाँ पे ये कंटेंट पाया गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने इसी वेबसाइट से ही इस कंटेंट को कॉपी किया, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप देख सकती हैं ये दोनों जगह में कंटेंट पाया गया है। सो अगर ये कंटेंट किसी और वेबसाइट में भी अवेलेबल होगा, वैसे तो ये कंटेंट पूरा यूनिक है, अगर ये कंटेंट कहीं और वेबसाइट में भी होगा तो यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट दिखाएगा कि और कौन सी वेबसाइट में कंटेंट है, ठीक है। तो ये नंबर थर्ड पर हो गई। चलिए अब फोर्थ वेबसाइट पर चलते हैं, फोर्थ टूल पर चलते हैं हमारा। फ्रेंड्स जो नंबर फोर्थ पर टूल है उसका नाम है डुबली चेकर, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो जैसे कि आप देख सकते हैं डुबली चेकर ने भी यहाँ पे अपनी एड लगाई हुई है, बट वो भी नंबर वन पर रैंक कर रहा है ऑर्गेनिक। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। सो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको करना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 1000 words की लिमिट है पर सर्च में, ठीक है। यहाँ पे सर्च की कोई लिमिट नहीं है, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि 1000 words के अंदर ही आप यहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट करें। हम सिंपली पेस्ट कर देते हैं, हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो इस बॉक्स में आपको पेस्ट करना है अपने कंटेंट को। देखिए यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, आप चाहे तो चूज करके, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ से भी फाइल चूज कर सकते हैं अपने लिए, यहाँ पे क्लिक करके अपने सिस्टम से। बट मेक श्योर, ठीक है। सो यहाँ पर URL, जैसे मैंने बताया था, इस वेबसाइट का यहाँ से कॉपी को URL को कॉपी करके एंड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ऐसा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं वर्ड्स को, पेस्ट करने के बाद यहाँ चेक प्लेगरिज्म में क्लिक करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 17% प्लेगरिज्म, 83% यूनिक और रिलेटेड मीनिंग 0%। चलिए जाने दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सिमिलरिटी मिली है, यानी कि ये जो हम लोगों ने कंटेंट यहाँ पेस्ट किया, ये कंटेंट आपको इस वेबसाइट पर मिल रहा है, यानी कि rswarl.com पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपेयर टेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेड निशान दिखा रहा है, यानी कि ये कंटेंट है, ठीक है। रेड कलर का जो निशान बना हुआ, यानी कि ये कंटेंट अवेलेबल है और इंटरनेट पे दूसरी जगह पर जहाँ यहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गई थर्ड वेबसाइट, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 17% है। सो ये नंबर फोर्थ पर हमारी वेबसाइट है डुबली चेकर। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट टूल पे, लास्ट वेबसाइट में। चलिए इसे हम चले जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम URL पेस्ट करते हैं, अगर हम इस जगह पे URL पेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर URL पेस्ट करने के बाद हम देख लेते हैं एक बार क्या होता है, चेक प्लेगरिज्म में क्लिक करके। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम 1000 words अलाउड पर सर्च, यानी कि जैसे कि हम अगर आपको करना है पूरा वेबसाइट यहाँ पे इसको पूरा कंटेंट चेक करना है, तो आपको 900 words कर कर के ही पूरा चेक करना होगा। तो ये पूरा ले रहा नहीं है फिलहाल,
चलिए कोई बात नहीं, तो ये था URL के थ्रू चेक करने का प्रोसेस। मुझे लगा कि शायद वो पूरा चेक कर लेगा, बट 1000 लिमिट है तो उसके अलावा वो नहीं ले रहे आगे। चलिए कोई बात नहीं, सो फ्रेंड्स हाँ, जो हमारा लास्ट टूल है नंबर 5th पर, उसका नाम है प्री पोस्ट SEO। वो दिखा देता हूँ, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्री पोस्ट SEO.com भी नंबर 1 पर ऑर्गेनिक रैंक कर रहे हैं। हम इसमें क्लिक कर देते हैं। देखिए इस वेबसाइट में आने के बाद आप देख सकते हैं प्लैगरिज्म चेकर, यहाँ पे भी और काफ़ी सारे भी ऑप्शन हैं, बट फिलहाल हम एक में फोकस करते हैं, प्लैगरिज्म चेकर में। सो जैसे कि आपने एक बात नोटिस की होगी कि अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट जितनी वेबसाइट में गए हैं तो सब वेबसाइट का जो मेथड है वो एक ही है। आपको ऐसे एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में अपने कंटेंट को पेस्ट करना है एंड उसके नीचे आपको यहाँ पे चेक प्लैगरिज्म का एक बटन मिलता है अपने कंटेंट को चेक करने के लिए। तो हम सिंपली अपने वापस कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट करना है और यहाँ पे आपको चेक प्लैगरिज्म में क्लिक करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया होगा, हमारे पांचों टूल्स में से जो पांचों आज के हमारे टूल्स हैं उनमें से इस टूल ने prepostseo.com ने 100 out of 100% एक्यूरेटेड अपना रिजल्ट बताया है कि ये पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी है और इस वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, सो आज के इस हमारे वीडियो में ये पांच टूल्स थे जो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को चेक करने में कि वो कंटेंट किसी और का कॉपी हुआ तो नहीं है, कहीं वेब में और जगह अवेलेबल तो नहीं है। अगर आप किसी और का कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, उसे अपनी लैंग्वेज में रीराइट कर रहे हैं, तो मेक श्योर अपनी वेबसाइट में पेस्ट करने से पहले, अपलोड करने से पहले आप उसे इन पांचों में से किसी भी एक जगह में चेक कर लें। जो नंबर 2nd पर मैंने बताया था siteliner.com, वहां पर आप चेक नहीं कर सकते, बट बाकी के जो चार टूल्स हैं उनमें से चारों में से कहीं भी एक जगह में आप चेक कर सकते हैं कि वो कंटेंट वापस से उस वेबसाइट से चेक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिल मैच तो नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो आप उसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करें ताकि वो पूरा का पूरा यूनिक कंटेंट बन जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशंस। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Yeah.